स्टूडेंट्स, आज हम अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। रिवीजन की दृष्टि से तो जो 3 चैप्टर है वो मेनली भवनों के बारे में बताता है कि अर्थक्वेक अगर आ रहा है तो भवनों में किस किस प्रकार की दिक्कतें होती हैं और क्या क्या चीज़ें भवनों में घटित होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भवन में भूकंप काल क्या होता है। तो भूकंप काल का मतलब ये है कि भूकंप का ड्यूरेशन कितने देर तक है। ठीक है, भवनों में भूकंप का ड्यूरेशन कितने देर तक है। 1 मिनट के लिए भूकंप आ रहा है कि 10 सेकंड के लिए भूकंप आ रहा है कि 20 सेकंड के लिए भूकंप आ रहा है। तो कहने का सेंस यही है कि जो भूकंप का ड्यूरेशन है वो कितने देर के लिए है। जितने ज़्यादा देर के लिए भूकंप का ड्यूरेशन होगा वो उतना ज़्यादा नुकसान होगा बिल्डिंग के लिए। ठीक है, तो इस तरह हम भूकंप काल को बता सकते हैं। आगे आता है वास्तुशास्त्र के बारे में। दो भवने कभी भी आपस में ज़्यादा निकट की दूरी पे नहीं होनी चाहिए। या तो वो एक दूसरे से बिल्कुल सटी होनी चाहिए या तो वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर होना चाहिए। अगर एक भवन दूसरे भवन से हल्की फुल्की भी सटी रहेगी तो फ्यूचर में कभी भी जब भूकंप आता है तो उनका जो सिरा है या ऊपर का जो भाग है वो एक दूसरे से टकरा सकता है और क्षति और भी ज़्यादा हो सकती है। दूसरा केस इसमें ये आता है कि ढालू भूमि पे कभी भी घर नहीं बनाने चाहिए, और अगर हम बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सावधानी के साथ और काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन टेक्निक को यूज़ करते हुए बनाना चाहिए। अगर हम ढालू भूमि पर घर बनाते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारे कॉलम्स होते हैं फाउंडेशन के ऊपर जो कॉलम होते हैं उन कॉलम की लंबाई जो होती है अलग अलग होती है। उन कॉलम की लंबाई अलग अलग होने के वजह से उनमें अनेक प्रकार के फोर्सेज उत्पन्न होते हैं और अनेक प्रकार के मोमेंट्स उत्पन्न होते हैं जो क्या करते हैं, भवन की दृढ़ता को कम करते हैं और जो हमारा फाउंडेशन होता है वो उसको भी काफ़ी हद तक कमज़ोर बना देते हैं, क्योंकि कहीं पे लोड ज़्यादा आ रहा होता है और कहीं पे लोड कम आ रहा होता है। अब बात आती है अति ऊंचे भवन की। ठीक है, तो बहुत सारे स्थानों पे जहाँ पे भूकंप आते रहते हैं वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग का निर्माण नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, नीचे से ऊपर जो होती है वो इमारत क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन जाती है। और नीचे क्या होता है, नीचे लोड ज़्यादा आ जाता है और ऊपर का लोड क्या होता है, ऊपर का सारा लोड नीचे आते रहता है। या तो हम अगर बनाए तो कुछ इस टेक्निक से बनाए कि जो हमारा वेट रिडक्शन है वो हाइट के अकॉर्डिंग होते रहे तो कुछ हद तक सही चल सकता है। अब आगे आते हैं कि कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जिनके घर हमको नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि हम बात करें आपको एल टाइप के प्लान, अगर कोई बिल्डिंग का टॉप व्यू एल टाइप का है तो हमको उसको बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एल सेक्शन जो है ये पूरी तरीके से सिमेट्रिकल नहीं होता है। हमको वही सेक्शन बनाना चाहिए जिसमें सिमेट्री हो। ठीक है, विदाउट सिमेट्री वाला कोई सा भी भवन हमको नहीं बनाना चाहिए। अब बात आती है कि चिनाई भवनों में अधिक भूकंप रोधी बनाने के लिए क्या क्या किया जाए। तो इसमें जो पत्थर होती है वो 45 सेंटीमीटर से ज़्यादा मोटाई के नहीं होने चाहिए। ठीक है, पत्थर के चौड़ाई अच्छी खासी होनी चाहिए, दीवार के जो कोने और सतह हैं उनको अच्छे से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, और भूकंप रोधी संरचना बनाने के लिए मतलब घर को हल्के से हल्का रखा जाए और उस पर भूकंप पट्टियों का भी उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात ये आ जाती है कि जो हमारे भवन हैं उसको मतलब मिट्टी के भवन को ज़्यादा हम भूकंप रोधी बनाने के लिए क्या करें, तो मिट्टी के गारे का प्रयोग किया जाए, मिट्टी के गारे के साथ बांस की लकड़ियों का प्रयोग किया जाए। उसके बाद जो वहाँ पे लिंटर और ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं वो लकड़ी के फ्रेम से लगाया जाए। इससे क्या होगा, लकड़ी के अंदर डक्टिलिटी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये भूकंप के समय क्या करेगा, जो उनके शॉक वेव होते हैं ये शॉक वेव को एब्जॉर्ब कर लेगा और इससे क्या होगा, ये भूकंप को आने को काफ़ी से काफ़ी हद तक कम कर देगा। अब बात आती है कि चिनाई भवनों में भूकंप रोधी बनाने के लिए क्षैतिज पट्टियों की भूमिका क्या होती है। तो आपको अभी जैसे जस्ट बताएं क्षैतिज पट्टियाँ क्या करती हैं, भूकंप के बिल्डिंग के साइड साइड ये पट्टियाँ लगाई जाती हैं। ये पट्टियाँ उन क्या करती हैं, उनको बांध ही रखती हैं भूकंप के समय। उसको बांधने से क्या होता है, उनमें किसी भी प्रकार का जो फोर्स उत्पन्न होता है वो बिल्डिंग को ट्विस्ट नहीं कर पाता है, वो बिल्डिंग को अफेक्ट नहीं कर पाता है। तो इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब बात आती है भूकंप अभिकल्पन का दर्शन। ठीक है भाई, अब भूकंप अभिकल्पन का दर्शन मतलब क्या है कि जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो 5 मिलियन ईयर से हुई थी। पृथ्वी एक आग का गोला था,
फिर इस पे बरसात हुआ, बरसात होने के कारण ये ठंडी हुई, कहीं पानी जमा हुआ, पानी से बैक्टीरिया पैदा हुआ, और बैक्टीरिया से धीरे 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 करते करते सारे मानव जाति का इवोल्यूशन हो गया। इवोल्यूशन मतलब धीरे धीरे एक से दूसरे का विकास हो गया, इस तरह से उसका इवोल्यूशन हुआ। फिर हजारों साल तक पानी बारिश ये सारी चीज़ें होती रही, उसी में फिर मानव का जब इवोल्यूशन हो गया तो बहुत सारे तरह की पृथ्वी पे एक्टिविटी उन्होंने किया, जिसके वजह से बहुत सारी तरीके की आपदा आई, उनमें से एक आपदा भूकंप भी है। ये पृथ्वी के डिस्टरबेंस को मेंटेन करने के लिए ये आपदा आती है, तो जब भूकंप आती है तो काफ़ी ज़्यादा जान माल की नुकसान होती है, ठीक है, बहुत सारे लोगों की जान जाती है, बहुत सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है, आप जानते हैं कितनी खतरनाक आपदा है। तो इस तरह से कुछ इसका इवोल्यूशन था, ठीक है। भूकंप के आते समय क्या होता है, पूरी बिल्डिंग में भूकंप मतलब पूरी बिल्डिंग में वाइब्रेशन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप सुने ही होंगे बहुत सारे जगह ऐसे ऐसे भूकंप आए हैं कि जिनके वजह से बहुत सारे पैसे खर्च हुए हैं, उसके बाद बहुत लोग की जान गई है। आप गुजरात का भूकंप देख सकते हैं, किलारी लाटोर का देख सकते हैं, चील का भूकंप देख सकते हैं, आप कहीं की बात कर लीजिए, ठीक है। अब बात ये आती है इसमें अगली चीज़ की, आखिर हम इससे बचे कैसे। तो बचने के लिए हम घर को रेजिस्टेंट बना सकते हैं, मतलब कुछ हद तक हम उसको मजबूत बना सकते हैं कि जिससे हम उससे बच सके, लेकिन अर्थ को एक प्रूफ बिल्डिंग बनाना पूरी तरह इम्पॉसिबल है। एक चीज़ आप क्लियर कट डाल जान लीजिए, अगर आपसे कोई कहता है कि हमको अर्थ को एक प्रूफ हमारे घर है, या अर्थ कोई प्रूफ कहीं पे घर है, तो सिंपल सी बात ये जान लीजिए कि आपको बेवकूफ़ बना रहा है। कोई भी चीज़ पूरी तरीके से प्रूफ नहीं हो सकती है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है, और खास करके अर्थ को एक प्रूफ बिल्डिंग तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम बिल्डिंग को अर्थ को एक रेजिस्टेंट बना सकते हैं। अब आगे बात आती है, जो बिल्डिंग हम बनाए उसमें हम डक्टिलिटी का प्रयोग ज़्यादा करें, वो बिल्डिंग डक्टाइल ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो डक्टाइल ज़्यादा है तो शॉक वेव्स जो होते हैं उनका ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छी तरीके से होगा, ठीक है। अब बात आती है, भवनों को भूकंप रोधी बनाने के लिए उनके व्यय पे भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कितनी खर्चे हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। उसके बाद आता है इन सारी चीज़ों के बाद इंजीनियरिंग दृष्टि से, तो बहुत सारे ऐसे BIS कोड्स हैं जो भूकंप रोधी भवनों के निर्माण के लिए ही बनाए गए हैं, तो उन सारे को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे कि पार्श्व भार प्रतिरोधक प्रणाली क्या होती है। तो आप जानते हैं ऊर्ध्वाधर भारों के साथ साथ जो बिल्डिंग होती है उस पर साइड से भी लोड लगते हैं, लैटरल लोड लगते हैं, ठीक है। तो लैटरल लोड जो होते हैं ये भी काफ़ी खतरनाक होते हैं, तो इनको भी बिल्डिंग में क्या किया जाना चाहिए, एडजस्ट किया जाना चाहिए। तो मैं आपको बताया था इसके लिए सीयर वाल का आप प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आप हॉरिजॉन्टल डायाफ्राम का यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए भी काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं जिनका हम यूज़ करके बच सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है आघूर्ण प्रतिरोधी ढांचा, इसको मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम भी कहते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, अपना घर बनाने से पहले वो पूरी की पूरी हम फ्रेम का बनाते हैं, ठीक है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फ्रेम्स का प्रयोग करें, मतलब जो ढांचा होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ का प्रयोग करें, और जोड़ों पे हम क्या करें, एक ट्रस टाइप की आकृति या फ्रेम का यूज करें, उससे क्या होगा, जो बल होंगे, फोर्सेज जो होंगी वो क्या होंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। उनके डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से क्या होगा कि जो फोर्स होगा वो हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, बिल्डिंग पे लोड कम आएगा। जैसे हम आपको बताए थे कि इसमें हम डैम्पर्स का प्रयोग कर सकते हैं, ब्रेसिंग का प्रयोग कर सकते हैं, आइसोलेशन का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। आगे आता है, आगे देखिए सीयर वाल का नाम आ ही गया, तो सीयर वाल का अगर हम प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, बिल्डिंग हमारी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, ठीक है ना। अब बात आता है द्विपलाण प्रणाली भवन या द्वि पद्धति भवन। जैसे कि अभी हम आपको बताए हैं, जो अलग अलग बिल्डिंग होती है वो अलग अलग मजबूती के प्रकार की होती हैं, तो हर एक बिल्डिंग की व्यवस्थाएं अलग अलग की जानी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसका वो एक मिल जाए और उससे कुछ दिक्कत आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात आता है वर्टिकल लेआउट। तो वर्टिकल लेआउट क्या होता है, हम आपको जैसे बता रहे थे कि भूमि जितनी ऊंची हो जाती है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। आप फिगर में देख सकते हो, जो ढाल पे भवन बनी है, ढाल पे भवन बनने की वजह से क्या हो सकता हो रहा है, जो छोटे कॉलम है उस पर क्या आएंगे, लोड ज़्यादा है कम आएंगे, लेकिन जो लंबे कॉलम है उन पर लोड ज़्यादा आएंगे, तो इस तरह से क्या होगा, बिल्डिंग में दिक्कत हो जाएगी। और दूसरा मैं आपको बताएं कि जो बिल्डिंग आस पास होता है तो अर्थक्वेक के समय वो क्या होता है,
एक दूसरे से लड़ने की संभावना रहती है। तो इस प्रोसेस को हम पाउंडिंग भी कहते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं ऊपर डायग्राम में, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पाउंडिंग कहते हैं। आप, मैं यहाँ से इसको कर सकता हूँ, ये हमारा क्या है, पाउंडिंग है, ठीक है। और ब्लॉक को कभी भी अलग अलग ही बनाना चाहिए, अगर बनाइए तो बिल्कुल सटा के बनाइए, नहीं तो एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे ब्लॉक बनाइए, अगला फिगर करिएगा, ठीक है। अब बात आती है समरूपता। तो समरूपता कहने का सेंस क्या है, बिल्डिंग कभी भी एक जैसी बनानी चाहिए। अगर एक हमारी बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग हम कोई बना रहे हैं, तो उसमें सारी चीजें एक, अगर सीढ़ी आप एक जगह दे रहे हैं तो सीढ़ी शुरू से लेकर अंत तक वो एक ही जगह होनी चाहिए, ठीक है। सारी चीजों का जो डिजाइन है वो प्रॉपर और सिमेट्रिकल होना चाहिए, कि अगर हम बिल्डिंग को किसी भी सेक्शन, एक सेक्शन से कट करें तो एक पार्ट दूसरे पार्ट के बिल्कुल सिमेट्रिक हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई चीज है तो दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब बात आती है फ्लोटिंग कॉलम की। तो फ्लोटिंग कॉलम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इस फिगर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी भी किसी बिल्डिंग में, जैसे कि आप इस बिल्डिंग में देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में क्या हुआ है, इस बिल्डिंग में ये जो ऊपर वाला भाग है, यहाँ पे कॉलम दिया गया है, यहाँ पे कॉलम दिया गया, मैं आप फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो कॉलम है वो यहाँ यहाँ दिया गया है, क्योंकि ये कॉलम क्या हो गया, फ्लोटिंग कॉलम हो गया, क्योंकि यहाँ पे नीचे जो बेस है, नीचे बेस इससे इतना दूर दिया गया है। अगर बेस यहीं पे होता, यहीं पे बेस होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती, क्योंकि ये इतना हिस्सा क्या है, बाहर झूल जा रहा है ना, तो इस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, इस वजह से हम इसको फ्लोटिंग कॉलम बोल रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और बिल्डिंग के फेलियर का रीज़न बन जाता है। अब कुछ और भी चीज़ें आती हैं छोटी मोटी जो हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसे भूकंप रोधी निर्माण के आधार पर प्रकाश डालिए। तो जैसे कि हम आपको बताएं, पट्टिया प्रोवाइड करना चाहिए, सीयर फोर्स बिल्डिंग जो बेंडिंग मोमेंट को कम करता है, भवन में ब्रेसिंग्स का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो इनफिल्स वाल होती है, अगर आप सीयर वाल का प्रयोग नहीं कर पा रहे तो इनफिल्स वाल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और ढांचा नुमा, ये ढांचा युक्त संरचना का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है भूकंप के दौरान बिल्डिंग में डिफेक्ट्स कहाँ से होते हैं। तो हम आपको एक चीज बता दें, यहाँ पे जो भी कॉर्नर्स वाले पार्ट होते हैं, कोने वाले पार्ट होते हैं, या जहाँ पे जॉइंट्स वाले जो पार्ट होते हैं, अर्थक्वेक के समय सबसे ज्यादा पहले वही इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि जो फोर्सेस जनरेट होती हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्ट वहीं पे करती हैं, ठीक है। तो इस वजह से, इससे क्या होता है, बिल्डिंग को काफी ज्यादा हमको सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है भूकंप रोधी अभिकल्पन के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। तो हम आपको बताएं, जैसे कि ठीक है, हम बिल्डिंग को ऐसी बनानी चाहिए जो आने वाले टाइम में भी क्या रहे, काफी ज्यादा सुरक्षित बना रहे, और जिससे क्या है, भूकंपों जो बले हैं वो, उनको बल को काफी ज्यादा कम किया जाए, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अगले यूनिट में, चैप्टर नंबर 4 में आ जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 भी इसी से रिलेटेड है। इसमें BIS कोड के बारे में बताया गया कि जो BIS कोड होते हैं, जो भूकंप संहिताएं होती हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे IS 4326, ये किसके लिए है, ये चिनाई भवनों के लिए। तो चिनाई भवनों में कैसे कैसे क्या चीज़ किस रेशियो से दिया जाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इनमें मेंशन है, ठीक है। अब बात आती है कुछ आकृति की, जैसे L सेक्शन हो गया, इसका यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये नीचे का एक सेक्शन देख लें, तो इसका भी यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, इस सेक्शन का, इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है, इस सेक्शन का यूज, मतलब नीचे हम किसी भी सेक्शन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, इनमें गैपिंग काफ़ी ज़्यादा है, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की चीज़ें हो सकती है। अब बात आती है सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मैं आपको बता दें, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मल्टी डिग्री ऑफ, या अगर किसी बिल्डिंग में वाइब्रेशन एक रीजन से उत्पन्न हो रहा है, तो इसको हम सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम करेंगे। किसी बिल्डिंग में अगर वाइब्रेशन दो तरीके से उत्पन्न हो रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी उत्पन्न हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अगर यही एक तरीके से होता है, तो हम इसको बोलते हैं सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। मूल काल हम आपको बता दिए कि मूल प्राकृतिक काल क्या होता है, मतलब भवन के अंदर जो मुक्त कंपन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक काल बोलते हैं, ठीक है। भवन के अंदर संरचना में जो अवमंदित रहित, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई अवमंदन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, अवमंदित रहित जो कंपन होता है उसी को हम कंपल काल कहते हैं, ठीक है। ये दो तरह से हो सकता है, ये डैम्प हो सकता है, सॉरी,
यह दीर्घ काल हो सकता है और यह लघु काल हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। अब बात आती है सियर वाल की। तो हम आपको बताया था कि दो चीजों का और प्रयोग करते हैं, एक सियर वाल एक डायफ्राम। सियर वाल क्या होता है, यह मेनली सियर फोर्स को कम करने के लिए बनाया जाता है, जो लैटरल फोर्स होता है उसको कम करने के लिए बनाया जाता है। और आगे आता है डायफ्राम। डायफ्राम का उपयोग हम क्या करते हैं, छत पे या फर्शों पर या फिर कॉलम्स के ऊपर हम किसी सतह पे करते हैं। ये क्या करता है, काफी ज्यादा मजबूत होता है और ये फोर्स इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। अब आता है जोन फैक्टर। जोन फैक्टर क्या होता है, तो जोन फैक्टर एक ऐसा चीज है कि अगर हम कहीं के पे घर बना रहे हैं, वह घर जो है वो किस जोन में आ रहा है, वह बिल्डिंग किस जोन में आ रही है, तो उसकी पुष्टि इससे होती है और इसी के कारण हमको वहां पे घर बनाना चाहिए। जैसे कि अब आपको बताएं, निर्माण में निरंतरता होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद दृढ़ता होनी चाहिए। ये सारी चीजें तो हम पिछले चैप्टर में बता चुके हैं, क्योंकि ये तो चैप्टर एक दूसरे से क्या है, ये पूरी तरीके से इंटरलिंक है, ठीक है। तो अब कुछ चीजों की बात और कर लेते हैं, ठीक है। साइट लोकेशन कैसी करनी चाहिए, तो बात आती है साइट लोकेशन की। साइट लोकेशन के लिए सबसे पहले हमको क्या करनी चाहिए, उस जगह की मृदा के बारे में देखना चाहिए कि वहां पर मृदा किस प्रकार की है, कठोर मृदा है कि मृदु मृदा है, उसकी प्रॉपर सॉइल टेस्टिंग करनी चाहिए। वहां पे बियरिंग कैपेसिटी और आदि चीजों की चेक करनी चाहिए कि कैसी है कैसी नहीं है। बिल्डिंग का टोपोग्राफी कैसा है, ढालू जमीन है कि ऊंची जमीन है कि खाई है, उसको भी हमको प्रॉपरली चेक करना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि स्थल पर न्यू मृदा समान प्रकार की होनी चाहिए, मतलब वही बात है टोपोग्राफी की हम बात कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा समान प्रकार की होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, ठीक है। देखो न्यू, और अगली बात आती है कि न्यू न्यू में लिक्विफैक्शन नहीं होना चाहिए। देखो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम अक्सर देखते हैं कि लिक्विफैक्शन होने के कारण क्या होती है, जो हमारी फाउंडेशंस होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, या ढह जाती है हमारी बिल्डिंग। लिक्विफैक्शन क्या होता है, हम आपको बताए थे, जैसे सेंट हो गया, ग्रेवल हो गया, अगर इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में अपने घर बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फोर्स होने की वजह से जो एक्चुअल रेजिस्टेंस देना चाहिए वो नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, और बेस और साइड दोनों रेजिस्टेंट की बात कर रहे हैं, वो नहीं प्रोवाइड कर पाते, जिसकी वजह से ये फेल हो जाते हैं। तो भूकंप रोधक की दृष्टि से ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको थोड़ा सा और बता दें, कैसे दृढ़ता वितरण क्या होता है, तो अगर कोई हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें जो फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तो कम करना ही होता है, लेकिन उसके साथ भवन की मजबूती को बनाए रखना और कंटिन्यूटी उसकी रखना भी काफ़ी ज़्यादा मेंटेन होता है। तो भवन जो भी बन रहा है उसकी जो कंटिन्यूटी है वो एक जैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी एक जैसी होनी चाहिए, प्लस जो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन है मजबूती का वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं मजबूती कम है कहीं मजबूती ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा होता है निर्माण में निरंतरता, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ठीक है। जो निर्माण हमारा हो रहा है, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो एक सिंगल यूनिट की भांति होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाथरूम घर से अलग है, किचन घर से अलग है, रूम घर से अलग है, ये सारी चीज़ें तो आपस में अलग हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को एक में ज्वाइंट करके जब हम बनाते हैं तो एक सिंगल यूनिट की तरह ये बिहेव करनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है जीने की। तो जैसे हम आपको बता दें, जीने की तिरछी स्लैब के कारण ऊपर नीचे के फर्शों पर ब्रेसिंग प्रभाव को रोकने के लिए जीना स्लैब और पार स्लैब के मध्य में सरकत जोड़ देनी चाहिए, ठीक है। कहने का सेंस क्या है, जो ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट है, इन दोनों के बीच में जीना लगाते समय हमको क्या करना चाहिए, एक सरकन जोड़ देना चाहिए, उससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बात आती है कि आधार कर्तन क्या होता है, तो संरचना के आधार पर तल पर पड़ने वाले अधिकतम पार्श्व बल को हम अभिकल्पन भूकंपीय आधार मानते हैं, ठीक है। मतलब संरचना का जो बेस होता है नीचे वाला, उस पर जो भी अधिकतम कर्तन आधार पड़ता है, मतलब कर्तन बल पड़ता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम आधार कर्तन कहते हैं। कर्तन मतलब होता है शियर, ठीक है, आप जानते हैं शियर क्या होता है, शियर कटिंग फोर्स होता है जो एक दूसरे को कट करने की कोशिश करता है। अब आगे आ जाता है त्वरण गुणांक क्या होता है, ठीक है। तो यह एक क्षैतिज त्वरण गुणांक होता है जिससे संरचना के अभिकल्पन में लिया जाता है। जब हम बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं तो जो त्वरण गुणांक होता है हम उसमें लेके चलते हैं, एक्सेलरेशन कोफिशिएंट।
अब आगे बात आती है कि अनुक्रिया लघुकरण कारक क्या होता है। तो वास्तविक में जो कर्तन आधार कर्तन बल होता है ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, भूकंप के समय आधार में क्या होता है, भूकंप काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न होता है और ये उस भूकंप को क्या करता है, एब्जॉर्व कर लेता है। भूकंप गुणांक क्या होता है, यह भी हम एक गुणांक मान लेते हैं जो हमारे डिजाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। संरचना अनुक्रिया गुणांक यह वो होता है कि भूकंप के समय संरचना कितनी है, आपकी मूव कर रही है, संरचना में किस किस प्रकार का मोमेंट हो रहा है, यह उसके लिए दिया जाता है, ठीक है ना। तो यह क्या करता है, यह कंपन काल के प्राकृतिक काल तथा संरचना के अवमंदन के पे निर्भर करता है कि उसका अवमंदन किस प्रकार हो रहा है और जो प्राकृतिक काल है वो किस प्रकार से। और आगे आता है महत्ता कारक आई, ठीक है। तो अभिकल्पन भूकंपीय बल को ज्ञात करने के लिए यह कारक लगाया जाता है, ठीक है ना। मतलब बिल्डिंग में कितना ज़्यादा जो हमारा भूकंप बल है वह है, ठीक है। अब बात आती है कि संरचना के उपयोग भूकंप संकट के समय तथा जब बाद में संरचना को कार्यकर स्थिति में बनाए रखने के लिए ऐतिहासिक या अधिक भूकंप भवन लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा यूनिट 4 भी खत्म होता है। हम आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट 5 में।